फिर से करें, सांस लेते हुए पैर की उंगलियां अलग अलग कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए बंद करें, सांस लेते हुए अलग अलग करें, सांस छोड़ते हुए बंद करें, सांस लेते हुए रोक लीजिए, रिलीज करिए। ये पवन मुक्तासन भाग एक का पहला अभ्यास पादांगुली नमन। अब हम गुल्फ नमन का अभ्यास करेंगे। गुल्फ का अर्थ टखने से है। सांस छोड़ते हुए दोनों पांव को सामने की ओर झुकाइए। मैक्सिमम स्थिति में ऐसा झुका के रखें। सांस लेते हुए दोनों पांव को अपनी ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए सामने झुका दें। सांस लेते हुए अपनी ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए सामने झुका दें और सांस लेते हुए अपनी ओर। बस समय अभाव में हम अभ्यासों को कम कम कर रहे हैं। ये है गुल्फ नमन। गुल्फ चक्र का अभ्यास करेंगे जिसमें हम दोनों पांवों को क्लॉकवाइज सबसे पहले एक साथ सटी हुई स्थिति में इसे घुमाते हैं। दोनों पांव आपस में सटे रहेंगे। घुमाइए इसे। ध्यान रखें कि आपके दोनों पांव सभी दिशाओं में समान रूप से घूमते हुए चक्र को पूरा करें। बाईं ओर भी, दाहिनी ओर भी, सामने भी और अपनी ओर भी। यहीं रोक कर उल्टे क्रम में इसे घुमा लेंगे। रोक लेंगे, रोक लीजिए। सीक्वेंस भी ध्यान रखते जाएं। उंगली के बाद हमने टखने का अभ्यास किया। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो नी का है, तो हम घुटने के लिए अभ्यास करेंगे। दाहिना पैर मोड़ लीजिए इस तरह से। नए अभ्यासी हैं वो थोड़ा सा सजगता के साथ करें। दोनों हाथों की उंगलियां खाई के नीचे इस तरह से जम जाएंगी। शुरू में पांव हम जमीन पे रख सकते हैं, ये स्थिति है। दूसरे पैर पर ध्यान दीजिए, उसका पांव सामने की ओर हल्का झुका रहेगा। और सांस लेते हुए इस पैर को पूरा सीधा करेंगे। सांस लेते हुए सीधा करिए। घुटना का भाग ऊपर ना उठा हो, बिल्कुल एक दंड के समान पूरा पैर ऊपर उठा हो। उठे हुए पैर का पांव सामने तना हुआ हो। सांस हमने ली है अभी। सांस छोड़ते हुए इसे बंद करिए। इसका मतलब होगा कि मुड़े हुए पैर का पांव जमीन से ऊपर हो और घुटना छाती के साथ लगा हुआ हो। सांस लेते हुए पुनः सीधा करें। सांस छोड़ते हुए इसे बंद करें। सांस लेते हुए इसे पुनः सीधा कर दें। सांस छोड़ते हुए बंद करें। एक अंतिम बार और सांस लेकर फिर से पैर सीधा करें। सांस छोड़ते हुए बंद करें। पैर सीधा कर लीजिए, वापस आ जाइए। ये जानु नमन का अभ्यास हम कर रहे हैं। पैर बदलकर यही अभ्यास दोहराएंगे। स्थिति बना लीजिए, गर्दन सीधी रखिए, चेहरा सीधा रखिए, चेहरे का भाव प्रसन्नता युक्त रखिए। सांस भरते हुए इस पैर को सीधा करेंगे। तान कर रखिए। सांस छोड़ते हुए घुटने को लगा लेंगे। मुड़े हुए पैर का पांव जमीन से ऊपर रखेंगे। सांस लेते हुए पुनः फैलाएंगे।
सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे, सांस लेते हुए सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे। रोक लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए। जान चक्र का अभ्यास करेंगे, यानी घुटने के स्थान पर एक रोटेशन जैसी क्रिया होगी और घुटने के लिए बहुत लाभदायी स्थिति बनती है इससे। सबसे पहले हम इस तरह से रखें और धीरे धीरे पांव को सबसे पहले ऊपर 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 रखेंगे और सामने से लाकर इस तरह से चलाएंगे। चलाइए, एक साइकिल के पैडल जैसी स्थिति कि हमारा पांव उस पैडल पर रखा है और पैडल बिल्कुल एक चक्र के रूप में घूम रहा है, एक सर्कल की आकृति बन रही है। पांव के ऊपर उठने पर सांस लेते जाएं, पांव के नीचे जाने पर सांस छोड़ते जाएं। इस तरह से तालमेल बनाइए कि जैसे दोनों एक साथ चल रहे हैं। मन सांसों के साथ लगा हो, रोके यहीं और यहां से उल्टा क्रम हम करेंगे, इसी का उल्टा चक्र बनाएंगे। स्वतः ही विचारों का प्रवाह अपनी क्रियाओं पर रोक लेंगे। रोकें, रोक लीजिए। जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो या संबंधित अंगों में अगर कोई समस्या हो तो इन अभ्यासों को अधिक देर तक कर सकते हैं। विशेषकर जिनके पैर में एक झिनझिनी जैसी स्थिति रहती, पांव नीचे तलवे में, वो पादांगुली नमन और गुल्प नमन या गुल्प चक्र के अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर से जानु चक्र का अभ्यास, चलिए घुमाइए इसे। मुड़ते समय घुटना आपके छाती का स्पर्श करता जाएगा, खुलते समय पूरा पैर सीधा होता जाएगा, या आप अधिक ध्यान दीजिए कि पांव के द्वारा पूरा चक्र बन रहा है या नहीं। यदि किसी तरह से सही स्थिति नहीं बन पा रही हो, उसे परफेक्ट करने की कोशिश करिए। सांसों के साथ करिए, उल्टा कर लीजिए, उल्टा घुमाइए। रोक लीजिए, हाथ पीछे रख दीजिए, थोड़ा विश्राम दीजिए। इस अभ्यास में शरीर में थकान आती, आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, सांसों को लंबी अंदर लीजिए, धीरे धीरे पूरी सांस बाहर करिए। यौगिक अभ्यासों के बीच जब आप घर में करें, दो तीन अभ्यासों के बाद जिन जिन अभ्यासों में शरीर थकता हो, तो ये रिलैक्सेशन की जो स्थिति है उसे दोहराते रहना चाहिए। और दोहराने में बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं, सही ढंग से हम तीन बार चार बार भी अगर लंबी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करें तो शरीर को विश्रांति मिल जाती है। अर्ध तितली आसन के लिए हम तैयार होंगे। दाहिना पैर यानी राइट लेग को बाएं पैर के ऊपर में हम मोड़ कर रखेंगे। हाथों की स्थिति कल जो हमने कहा था वो भी सही है। एक स्थिति है कि हम एक स्थिति यह भी है, एक उस पर रख लीजिए पाँव पाँव, हाँ एक स्थिति, ठीक है, ये स्थिति बना लीजिए, ये सरल विधि है पाँव, ठीक है। हाथ को घुटने के नीचे रखकर सांस छोड़ते हुए इसे चेस्ट से लगा दीजिए। दूसरा पाँव बिल्कुल जमीन पर है, ये अर्ध तितली आसन है। फिर सांस लेते हुए घुटने को जमीन से लगा दीजिए।
सांस छोड़ते हुए घुटने को ऊपर कर दीजिए, पूरा लगाइए। सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश करें, पर ध्यान रहे कि आपका जो एड़ी है वो थाई के ऊपर ही रहे। कुछ अभ्यासियों से ये स्थिति पूरी नहीं बन सकेगी, उसके लिए परेशान ना हो। सांस छोड़ते हुए पुनः घुटने को चेस्ट से लगा लें, सांस लेते हुए घुटने को नीचे जमीन से लगा दीजिए। बस पैर सीधा कर लीजिए, पैर बदलकर यही अभ्यास करेंगे। ये जंघा के जोड़ को प्रभावित करने वाला अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से लगाएंगे, रीढ़ पर ध्यान दीजिए, रीढ़ हमेशा सीधा बना रहे। सांस लेते हुए घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः घुटने को चेस्ट से लगाएंगे, सांस लेते हुए नीचे कर देंगे। एक अंतिम बार और, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे रखें, पैर खोलकर सीधा कर लें। पूर्ण तितली आसन के लिए स्थिति बनाइए, दोनों पांवों को आपस में जोड़कर इस तरह से पांवों को हाथों की उंगलियां फंसाकर पांव के अगले भाग को इस तरह से ढक देंगे, रीढ़ पर ध्यान देंगे, रीढ़ हमारा सीधा, गर्दन सीधा है, चेहरे में प्रसन्नता है, पोस्चर बिल्कुल सीधा है। तितली का पंख मानकर घुटनों को धीरे धीरे फड़फड़ाने जैसी स्थिति पैदा करेंगे। शुरू शुरू में बहुत हल्के अभ्यास इसका करें, जांघों की पेशियों को क्षति हो सकती है अगर हम अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रखेंगे। जिनसे बन रहा हो वो एड़ियों को शरीर से आगे जाने ना देकर घुटनों को अधिक चलाने की कोशिश करें, पर क्षमता का ध्यान रखना है, किसी तरह नुकसान ना हो उस बात के लिए हमको सावधानी रखनी है। हो सके तो घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करिए। गर्भावस्था के प्रथम 6 मास तक इस अभ्यास को उपयोगी बताया गया है। बस रोक लीजिए, सीधा कर लीजिए पैर और अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। हमने पैरों के लिए ये स्थिति सारे अभ्यास हमने किया, हाथों के लिए हम अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सीधा कर लेंगे और सबसे पहले हम मुष्टिका बंधन के लिए अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए हाथ की उंगलियों को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करिए, इस तरह से उंगलियों की जोड़ के पास जो दर्द भर रहा हो उस स्थान पर प्राणों की अनुभूति करिए, एक झिंझिनी जैसी आएगी। अंगूठे को अंदर रखें, उंगलियां ऊपर रखकर इसे कसें जोरदार, नसों में एक तनाव की स्थिति हो। सांस लेते हुए पुनः उंगलियों को अलग अलग करें, सांस छोड़ते हुए अंगूठों को अंदर रखकर उंगलियां कसें। आपका मन सांसों पर और अंगों की क्रियाओं पर, सांस भरते हुए पुनः उंगलियां अलग अलग, अंगूठा अंदर, उंगलियां कसें सांस छोड़ते हुए। एक अंतिम बार और, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब आप दोनों हाथ ऐसे ही रखे रहें और उंगलियों की कसावट को कम कर दीजिए और दोनों हाथों को मणिबंध चक्र के रूप में घुमाइए।
एक साथ, कल हमने अलग अलग हाथों से इस अभ्यास को किया था, एक साथ ये मणिबंध चक्र है। इससे पहले हमने कल मणिबंध नमन किया था, उस अभ्यास को इसके बाद दूर आएंगे। उल्टा घुमा दीजिए, इसको उल्टा घुमाइए। बस रोक लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। मणिबंध नमन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ सीधा कर लें, और ये अब हाथों को इस तरह से रखिए जैसे दीवार पर हथेलियां टिकी हों। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों को नीचे जाने दीजिए। सांस लेते हुए इसे ऊपर करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे करें, सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए इसे नीचे कर दें। अंतिम बार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लीजिए। पवन मुक्तासन भाग एक, जो गठिया वात निरोधक समूह के रूप में जाना जाता है, उसका अभ्यास हम सब कर रहे हैं। ये मांसपेशियों को लचीला बनाना, जोड़ों को ढीला करना और तंत्रिका में एक समन्वय स्थापित करना, इस आसन का मुख्य लाभ है। और साथ ही साथ गठिया और वात रोगों को प्रमुखता के साथ ठीक करने में इसका योगदान होता है। हम कोहिनी नमन के लिए दोनों हाथों को फैला देंगे। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी, दोनों हाथ समानांतर होंगे। शरीर का पोस्चर पुनः ध्यान दीजिए, आप बहुत सीधे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है, किसी तरह विकृति ना हो। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कोहनी के पास से मोड़ते हुए उंगलियों का स्पर्श कंधे को, पुनः सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बंद करें, सांस लेते हुए खोलें, सांस छोड़ते हुए बंद करें, सांस लेते हुए खोलें और सांस छोड़ते हुए बंद करें। इसी में हमने कोहनी नमन का अभ्यास अभी किया था और अब हम जो करेंगे वह स्कंध चक्र होगा। ये कोहनी के लिए अभ्यास नहीं होगा, हालांकि कोहनी पर गति दिखेगी, पर मुख्य अभ्यास इसका कंधा है, कंधे का जोड़ है। इसे घुमाएंगे धीरे धीरे, कोहनियों को ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर कोहनियां निकल जाए इस तरह से, कंधे को पूरी तरह खोलिए, फिर पीछे से लाते हुए कोहनियों के द्वारा एक वृत्त बनाइए। सामने आने पर कोहनियां बार बार स्पर्श करें, कोहनियां ऊपर की ओर जाएं, पीछे से घुमा लें। सांसों का क्रम इसके साथ जोड़े कि कोहनियों के ऊपर जाने पर सांस हम ले रहे हैं, कोहनियां नीचे से गुजरती हैं उस समय हम सांस छोड़ रहे हैं। सांसों के साथ पूरे तालमेल के साथ आप अभ्यास करिए, आप पाएंगे कि मानसिक एकाग्रता आपकी बढ़ रही है। दैनिक अभ्यास से घर में जो सामान्य लोगों में चिड़चिड़ाहट या क्रोध दिखता है वह योगाभ्यासियों में कम हो जाता है, स्वतः ही आप इसे चेक करते रहेंगे। धीरे धीरे हम इसका उल्टा चक्र बनाएंगे। अभी भी सांसें हमारी जुड़ी हैं, कोहनियों के ऊपर जाने पर सांस ले रहे हैं,
कोहनियों के नीचे से गुजरने पर सांसें छोड़ रहे, ये लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं। रोक लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर लाकर रख लेंगे। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को भी अधिक किया करें, जो पीठ के पास कुछ नसों में बहुत एक असहनीय दर्द बना होता है, ऐसे जो समस्या ग्रस्त हैं वो इसका अभ्यास बढ़ा दिया करें। और अब जो हम अभ्यास करेंगे जिसका नाम ग्रीवा संचालन के रूप में है, इसकी दो तीन विधियां हैं। ग्रीवा को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला अभ्यास है, साथ ही इसके साथ आँखों का कनेक्शन है और आँखों को भी लाभ देता है। और कल जैसे चर्चा हुई थी सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए यह अभ्यास उपयुक्त है। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, चेहरा सीधा है, शरीर का पोस्चर बिल्कुल सीधा है। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी का भाग कंठ कूप के पास लाकर लगाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे चेहरा सीधा करिए, सिर पीछे की ओर ले जाइए। जब तक सिर हमारा जाता है तब तक हम सांस लें और पूरा कर लें। रोकने के समय सांसें भी रुक जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी गति के साथ सांस को बाहर करिए और सिर को नीचे लाइए। पुनः सांस लेते हुए क्रिया पीछे की ओर करें। ग्रीवा संचालन का अभ्यास है, इससे थायराइड और पैराथायराइड पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण थायरोक्सिन का जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर होने लगता है। रोक लीजिए, सीधे मिलाकर रोक लीजिए। अब आप चेहरा सीधा रखेंगे और अपने चेहरे को दाहिनी ओर देखने जैसी स्थिति में मोड़ेंगे। धीरे धीरे चेहरे को दाहिनी ओर ले जाइए, इस तरह से मैक्सिमम स्थिति में ले जाकर रोकिए। मैक्सिमम सांस लेते हुए सीधा करिए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। पुनः सांस लेते हुए सीधा करें, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। सांस लेते हुए सीधा करें, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं। सांस लेते हुए सीधा कर लें। अब हम ये ग्रीवा संचालन की दूसरी स्थिति थी। तीसरी स्थिति में कनपट को दोनों भुजाओं की दिशा में गिराने जैसा अभ्यास हमने कल किया था। सांस छोड़ते हुए राइट साइड अपने कनपट को कंधे की दिशा में अधिकतम लाने की कोशिश करें। कंधों को स्थिर रखेंगे, कंधों को ऊपर नहीं उठाएंगे। सांस लेते हुए सीधा कर लें, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। सांस लेते हुए सीधा हो जाएं, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं। सांस लेते हुए सीधा हो जाएं, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सीधा। ये अंतिम इसका जो वेरिएशन है ग्रीवा संचालन का, उसमें हम गोल गोल सिर को घुमाने की क्रिया करें। चलिए घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करिए। जब सामने झुके तो ठुड्डी छाती का स्पर्श करें, बाजू से जाने पर कनपट भुजाओं को छूता जाए, पीछे जाने पर पूरी तरह से सिर पीछे की ओर लटके, इसका ध्यान रखिए। सिर के पीछे जाने पर सांस लेंगे और सिर के सामने झुकने पर सांस छोड़ेंगे। जिन्हें चक्कर जैसी स्थिति आ रही हो वो इस अभ्यास को रोक सकते हैं।
सर्वाइकल जिनका बढ़ा होता है, शुरू शुरू में चक्कर की स्थिति आती है, सामने आने के बाद रोक लेंगे और यहीं से उल्टा चक्र बनाइए, रोक लीजिए, रोक लीजिए, बस दोनों हाथों को रगड़ लीजिए और आंखों पे लगा लीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। ये अभ्यास आपके शरीर के जोड़ों को खोलने का काम करता है। आगे चलकर जब हम थोड़े कठिन अभ्यास जोड़ेंगे तो ये अभ्यास जो आपने दोहराया है ये आपके शरीर के लिए एक सहायक बनेगा। अब हम प्राणायाम की तरफ मुड़ेंगे, आज शारीरिक अभ्यास में इतना ही करेंगे। तो प्राणायाम की चर्चा आप लोग काफी सुने हैं, प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। तो प्राणों से जो अर्थ है वो जनरली लोगों में सांसों को प्राण मानकर अभ्यास किया जाता है, लेकिन भले ही प्राणों का संबंध सांसों के साथ है पर सांसें प्राण नहीं है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। प्राण बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है और ये सांसों से अधिक सूक्ष्म है, और जितने भी जगत में जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में प्राणों की उपस्थिति पाई जाती है। और जब प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे भीतर में प्राणों का आयाम यानी विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से ये विद्युत को हम देख नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव से ये बल्ब में जलना या पंखे का चलना वगैरह दिखता है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर में प्राण शक्ति को देखा नहीं जा सकता पर शरीर मन और विचारणा शक्ति से प्राणों को पहचाना जा सकता है कि किस व्यक्ति में प्राण की क्षमता कितनी है, बहुत सूक्ष्म है। इसे हम वाइटल फोर्स के रूप में जान सकते हैं या जीवनी शक्ति के रूप में जान सकते हैं। तो प्राणों के पांच प्रकार बताए गए, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये प्राण शरीर से ज्यादा इसका संबंध है, प्राण शरीर जो हमारे भीतर में काम करता है। शरीर के पांच कोश हैं, उसमें से प्राणमय कोश एक कोश है और इसका संबंध मन और इच्छा शक्ति से ज्यादा है। जीवटता जिनके भीतर में आप पाएंगे विपरीत या प्रतिकूल समय में भी उनसे जूझने, योजना बनाने, उससे दो दो हाथ करने की ताकतें जिन लोगों में पाई जाती है वो प्राण शक्ति के ही प्रभाव से होता है। और जिन लोगों में शरीर भले ही हृष्ट पुष्ट हो पर उनके भीतर में जो एक बुझा बुझा एक व्यक्तित्व जो दिखता है वो प्राण शक्ति का अभाव है। कई बार आप अंगों में शून्यता की स्थिति पाते होंगे प्राणों के अभाव के कारण। तो वास्तव में जब हम प्राणायाम जब करते हैं तो हमारे भीतर में इच्छा शक्ति का विकास होता है और हमारे भीतर में एक प्राण तत्व काम करने लगता है जिसकी वजह से हम विपरीत परिस्थितियों से जूझने की एक ताकत हमारे अंदर में होती है। तो वैसे महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के संबंध में जो परिभाषा दी है कि तस्मीन सति श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेद प्राणायाम, मतलब जो सांसों की जो गति है, अभी हम जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो सामान्य लोगों में 12 अंगुल तक
उसके प्रभाव रहते हैं सांस लेने और छोड़ने में। पर जैसे प्राणायाम का हमारा अभ्यास होता जाता है तो इसकी जो गति है वो 10 अंगुल 8 अंगुल 4 अंगुल ऐसा धीरे धीरे होते होते कम हो जाता है। तो प्राणों की जब विशिष्ट स्थिति आती है, उच्चतम स्थिति आती है, वो ध्यान वगैरह की स्थिति में आती है, जब ये फेफड़ा धीरे धीरे हमारा काम करना बंद कर देता है, वो चेतना के साथ जुड़ने, ब्रह्मांडी शक्ति के साथ जुड़ने के बाद ये स्थिति आती है, लगभग श्वास की जो प्रक्रिया है लगभग रुक जाती है। तो महर्षि पतंजलि ने श्वास की क्रिया को या उसके जो आवागमन श्वास प्रश्वास की क्रिया को रोकने के रूप में इसकी परिभाषा दी। हम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे बाद में, इसकी सूक्ष्मता पर और चर्चा करेंगे कि ये प्राणायाम किस रूप में काम करता है। शुरू में तो लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में दिखता है क्योंकि ये सांस लेने और छोड़ने पर ही आधारित है, पर इसकी सूक्ष्मता अधिक है। और प्राणायाम को महर्षि पतंजलि ने चित्त शुद्धि के उपाय के रूप में बहुत प्रमुखता से स्थान दिया है कि जैसे जैसे आप प्राणायाम करेंगे तो चूंकि इसके साथ मन जुड़ा है, चित्त जुड़ा हुआ है, और जिसके कारण चित्त में जो गतिशीलता रहती है, दिन भर जो एकाग्रता के विरुद्ध कार्य करता है, उसको रोकने में इस प्राणायाम का बहुत हाथ होता है। आपके भीतर में प्राण शक्ति बढ़ते जाएगी और आपके चेहरे में एक ओज आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम एक हल्के अभ्यास के रूप में शुरू करेंगे। शुरू शुरू में तो सांसों की लेने छोड़ने पर ही पूरा पूरा अभ्यास टिका होता है और इसीलिए शायद लोगों ने प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज मान लिया है, पर ऐसा नहीं है। आइए हम प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम के रूप में शुरू करेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ इस तरह से आदित्य भाई इस तरह से बना लीजिए एक हाथ को, ये हम योग की भाषा में चिन्ह मुद्रा कहते हैं, बाकी सामान्य रूप से इसे ज्ञान मुद्रा के रूप में लोग जानते हैं। दोनों उंगलियां यानी मध्यमा और तर्जनी मस्तक पर है, अंगूठा दाहिनी नासिका या नथुने के ऊपर है और अनामिका बाएं नथुने के ऊपर है, छोटी उंगली बाहर है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब हम अंगूठा खोलकर सांस खींचेंगे उस समय थोड़ी भावनाओं को भी इसके साथ जोड़िए, क्योंकि यौगिक अभ्यास में अगर भावनाएं और विशेष तरह के विचारों को अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो वह योग का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो जब आप अंगूठे की ओर से सांस खींचेंगे तो यह अनुभव करिए कि ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है, जितनी प्राण शक्ति है आपके भीतर जा रही है, और जब आप उंगली को खोलकर दूसरी ओर से सांस को बाहर करेंगे उस समय एक भावना करिए कि शरीर के भीतर में जितने भी विकार हैं वो विकार प्रश्वास के रूप में आपसे बाहर हो रहे हैं। मतलब दाहिनी ओर से अंगूठा को खोलकर धीरे धीरे पूरी सांस भरना प्राण ऊर्जा के आपके भीतर प्रवेश की भावना के साथ, और दूसरी ओर यानी उंगली की ओर से सांसों को बाहर प्रवाहित करना यानी हमारे भीतर में जितने भी विकार हैं शारीरिक मानसिक और भावनात्मक वो विकार दूर हो रहे हैं, इस तरह से एक सजीव चित्र के रूप में मस्तिष्क में रखते हुए अभ्यास को करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आपका ध्येय हटे नहीं, आपका ध्येय है प्राण ऊर्जा को भीतर प्रवेश कराना और नकारात्मकता कमजोरी और जितने भी विकार हैं उनको दूर हटाना। तो दाहिनी ओर से लेकर बाईं ओर हम सांस बाहर कर रहे हैं और फिर बाईं ओर से सांस लेकर दाहिनी ओर से बाहर करना है। अनुलोम विलोम में रोकने की क्रिया नहीं होती है, उससे हम कुंभक कहते हैं। इसमें सिर्फ लेने और छोड़ने की क्रिया है, यानी योग की भाषा में कहें सिर्फ पूरक और रेचक कर रहे हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक इसमें नहीं कर रहे हैं।
करते जाएं। अपने विचारों पर केंद्रित होइए कि विचार कहीं हट तो नहीं रहे हैं। यदि हट रहे हो तो पुनः केंद्रित करिए। एक मिनट और हम करेंगे, सिर्फ ऐसे सांकेतिक रूप में नहीं करेंगे, अभ्यास में लाएंगे। करते रहिए। आपकी विचारणाओं का या जिस दिशा में हम सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, वो हमारे जीवन में घटने लगता है, उतरने लगता है। यही क्रिया है कि इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं और लगातार भावनाओं के साथ संपर्क होने के कारण वह व्यक्तित्व में दिखना शुरू हो जाता है। प्राण ऊर्जा आपके रोम रोम में बस रहे हैं, शरीर की कोशिकाएं उसे अवशोषित कर रही हैं, आपके भीतर में अदम्य साहस का विकास हो रहा है, इच्छा शक्ति बढ़ रही है। इस भाव के साथ सांस लेने की क्रिया, सांस जब छोड़ रहे हो तो आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, जितने भी विकार हैं वो विकार दूर हो रहे हैं। इस भाव के साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। बस रोक लीजिए, हाथ धीरे धीरे नीचे कर लीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। वैसे ये स्वतंत्र रूप से कोई प्राणायाम नहीं है, एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये पूर्वाभ्यास है एक तरह से। यौगिक साहित्यों में अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वतंत्रता के साथ नहीं है। मीडिया के कारण ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अधिक छा गया, पर लाभ इसके बहुत अधिक है। इस पर काफी शोध हुए हैं और ये माना जाता है कि अगर कोई लगातार अपने अभ्यास में 15 मिनट इसका स्थान दे तो अटैक की संभावनाओं से उसे दूर रखा जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा ये जाने कि यौगिक साहित्यों में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। कुछ उपनिषदों में लाखों नाड़ियों के संबंध में चर्चा है। तो ये जो नाड़ियां होती हैं सूक्ष्म शरीर में होती हैं, जो स्थूल शरीर है उसमें इसकी उपस्थिति नहीं है, और इन नाड़ियों के माध्यम से ही प्राणों का संचार होता है। मतलब जिस तरह नसों में रक्त बहते हैं ठीक वैसे ही नाड़ियों में प्राणों का संचार होता है। तो इन नाड़ियों में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं जो भावगत होते हैं, भावनात्मक गांठों के रूप में इसमें दिखते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने में नाड़ी शोधन प्राणायाम का विशेष योगदान है। एक हठ योगिक ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका, जिनको स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा हुआ है, उसमें प्राणायाम करने से पूर्व नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की अनिवार्यता दी गई ताकि नाड़ी शुद्धि हो और उसके बाद ही हम प्राणायाम कर सके। क्योंकि नाड़ियों में अशुद्धि जब रहेगी तो वह प्राणों को सही प्रभाव नहीं देगा और उसके मल हमारे शरीर को दुष्प्रभावित करेगा। इसलिए नाड़ी शोधन सबसे पहले इसे करना चाहिए और उसमें सलाह है कि करीब करीब 3 महीने से अधिक समय तक
अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो नाड़ियों में शुद्धि आ जाती है, फिर प्राणों का प्रवाह एक अपने प्रभाव के साथ नाड़ियों में बहता है, जिससे व्यक्तित्व खुलना शुरू होता है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम चार चीजों का उपयोग करेंगे। यदि किसी ने कॉपी पेन रखा हो तो नोट कर लेंगे या दिमाग में नोट कर लेंगे कि प्राणायामों में चार उसके पक्ष होते हैं। एक तो है सांस लेना, जिसे हम योग की भाषा में पूरक कहते हैं। जब सांस ली और उसे अंदर हमने रोक लिया तो इस अंदर रोकने की क्रिया को अंतःकुंभक कहा जाता है, और धीरे धीरे जब हम सांस बाहर करते हैं मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया, बाद में आप पूछ लेंगे। और जब हम बाहर करने की क्रिया करते हैं तो उसे हम रेचक कहते हैं, और जब बाहर सांस को प्रवाहित करने के बाद सांसों को बाहर ही रोक देते हैं वह बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में सांस लेने का एक निश्चित समय है, अंदर रोकने यानी अंतःकुंभक करने का भी एक निश्चित समय है, रेचक करने यानी उसे बाहर प्रवाहित करने का भी एक निश्चित समय है, और बाहर हो जाने के बाद बाह्य कुंभक यानी बाहर सांस को रोकने का भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। तो हम आज इसके अभ्यास को सिर्फ एक एक के अनुपात में करेंगे, मतलब कि जितने समय तक हम सांस लेंगे उतने ही समय तक उसे अंदर रोकेंगे, उतने ही समय तक बाहर निकालेंगे, और उतने ही समय तक बाहर रोक कर रखेंगे। ये पूर्वाभ्यास है, अंतिम स्थिति नहीं है, आज हम अभ्यास के रूप में से करेंगे। गुरुजी ने जो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में एक अलग विधि बताई है उस विधि को भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामान्य रूप से जो प्रचलित है उस अभ्यास को ही शामिल कर रहे हैं। हाँ चलिए, हाथों की स्थिति बना लीजिए, उंगलियों की स्थिति वही है नाड़ी शोधन प्राणायाम में जैसा होता है। अब आप अंगूठे की ओर से सांस भीतर लेंगे, तब तक मैं पांच तक गिनती गिनूंगा और आप सांस लेते रहेंगे। अंगूठा खोलिए, 1 2 3 4 5, अंगूठा बंद कर दीजिए, उंगलियां भी बंद कर दीजिए। अंतःकुंभक में यानी जो ली सांस है उसे आप अंदर रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप अंगूठा बंद रखेंगे, उंगली खोलेंगे और उंगली की ओर से धीरे धीरे सांस बाहर करेंगे एक साथ में, 1 2 3 4 5। उंगली और अंगूठा दोनों बंद कर दीजिए, सांस आपकी बाहर है अभी लेंगे नहीं, बाहर रोक कर रखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप उंगली को खोलिए और उंगली की ओर से सांस भरिए, पूरक करिए, 1 2 3 4 5। अंतःकुंभक करेंगे, दोनों अंगूठा और उंगलियां बंद कर देंगे, सांस अंदर रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5। अंगूठा खोलिए, सांस बाहर करेंगे, रेचक करेंगे, 1 2 3 4 5। अंगूठा बंद कर दीजिए, उंगली भी बंद कर दीजिए, सांस बाहर रोक के रखिए, 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को अपने मन से आप करिए दो बार, दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर प्रवाह और बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर का प्रवाह। तब तक मैं शांत रहूंगा, आप अपनी क्रिया पर ध्यान देंगे।
अभ्यास को रोक लेंगे, हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे, आंखों पे लगा लीजिए। अंतिम प्रार्थना के लिए दोनों हाथ गोद पर रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, आंखें बंद करें, चेहरा सीधा रखें, आंखें बंद हैं, सांसें आ रही हैं जा रही हैं। एक बार पुनः अपने मस्तिष्क में दौड़ाइए कि आज के योग के अभ्यास से जो शारीरिक अंग हैं उनमें प्राणों का संचार हुआ है, ये अंग पहले से अधिक सशक्त बने हैं, योग का प्रभाव सकारात्मकता के रूप में दिखता है। महसूस करिए कि आपके भीतर सकारात्मक भाव अधिक जगे हैं। प्राणायाम आपने किया है, प्राणों की सूक्ष्मता का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर हुआ है, आप सकारात्मक बने हैं। विपरीत परिस्थितियां कभी खड़ी हों तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं, उनसे जूझने के लिए आप तैयार हैं, ऐसी विचार शक्ति अपने भीतर लाइए। सांस भरिए, ओम का उच्चारण हमारे साथ तीन बार करेंगे, ओम। ओम। हमारे पीछे दूर आते जाएंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवे, मा कश्चित् दुख भाग् भवे, ओम शांतिः, ओम शांतिः, 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 शांतिः।